वेलकम एवरीवन। तो हम लोग अलजेब्रिक फॉर्मूला, कुछ न्यू फॉर्मूला लेके आए हुए हैं और इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी हम क्लास लिए थे उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बताए हुए थे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्मूला बताए हुए थे। तो दोनों फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो फिर मेरा लेक्चर वन देख सकते हैं, जो भी अलजेब्रिक फॉर्मूला का वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो और कैसे प्रूफ किया जाता है वो हम बताए हुए हैं उस मीन्स वीडियो में। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है कि इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये टर्म भी लिखा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के जगह पे, ठीक है। एक्चुअली में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। एंड इसी तरीके से माइनस वाला भी होता है। तो ये टर्म कब लिखते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, जब जरूरत पड़ती है ना तब ये टर्म हमारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ किस तरीके से होगी, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टर्म है राइट साइड में उसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में ला सकते हैं तो लेफ्ट साइड में इजीली ला सकते हैं ना, क्योंकि आपस में यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। और राइट वाला लेफ्ट में ला सकते हैं, वो हमारा नेगेटिव में हो जाता है। अगर इधर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि लेफ्ट साइड में हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। इस टर्म को हम ले आए तो ये हमारा पॉजिटिव में है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ए माइनस बी का ये हमारा होल स्क्वायर। एंड इधर जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, 4ab, ये हमारा टर्म बचा, ठीक है। देन अब हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, वो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एंड ये नेगेटिव वाला भी जानते हैं, तो बाहर में ये हमारा नेगेटिव है, बाहर रहने देते हैं नेगेटिव। एंड इसका फॉर्मूला पता है हमें, तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया इसका फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। देन अब देखिए यहाँ जो ये टर्म है ये हम ब्रैकेट से बाहर करते हैं, ओके। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा है ही, ये ब्रैकेट से बाहर होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, पॉजिटिव 2ab। एंड यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव में बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। देन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक पॉजिटिव में और ये हमारा एक नेगेटिव में, मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पे पॉजिटिव में 2ab बचा है एंड यहाँ भी पॉजिटिव में 2ab ही बचा है, मतलब क्या हो गया, 4ab। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो फॉर्मूला है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ इंप्लाई दैट का साइन दे सकते हैं प्रूफ कर रहे हैं, तो ठीक है। देन तो देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों आपस में इक्वल हो गया, मतलब इस जगह पे इस चीज को लिख सकते हैं या इस जगह पे इस चीज को लिख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है, क्लियर। तो फॉर्मूला इस तरीके से प्रूफ किया जाता है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव का है, जैसे कि यहाँ नेगेटिव का दिख रहा है, इस चीज को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, इस टर्म को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव में ही हो जाएगा ये, a प्लस बी का ये हमारा हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 4ab हमारा यहाँ पे बची है राइट साइड में, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, बस फॉर्मूला ही लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखे थे ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है बाहर में, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर एंड राइट साइड में माइनस 4ab तो है ही, ठीक है। देन अब देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं जो भी ब्रैकेट के अंदर है उस चीज को, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, क्या होगा, नेगेटिव में होगा हमारा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव में होगा 2ab एंड ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और इक्वल टू का सिंबल देना होगा ना, इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4ab, ठीक है। देन तो देख पा रहे हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है,
ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए फिर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ नेगेटिव में 2ab, यहाँ पे भी नेगेटिव में 2ab है, तो नेगेटिव 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 ही रहेगा, 2 2 4ab हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में भी यही है -4ab। तो देखिए माइनस ए मतलब सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह पे ये टर्म हम लिख सकते हैं और इस जगह पे भी ये टर्म लिख सकते हैं, तो दोनों इस तरीके से प्रूफ होता है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरीके से इस चीज को प्रूफ किए हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूला के साथ।